हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लास सेवन्थ साइंस चैप्टर फोर हीट पार्ट टू पार्ट वन में हमने पढ़ा था क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में हमारे सेकंड पार्ट में है लेबोरेटरी थर्मामीटर हाउ डू बी ऑब्जर्व हाउ डू बी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मामीटर्स जो अलग तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हम किस तर, उनका टेम्परेचर हम कैसे मेज़र करते हैं इस पर्पस के लिए हम हमारे पास अलग तरह का थर्मोमीटर होता है और वो थर्मामीटर होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर आपके टीचर आपको शो करेंगे ये वाले थर्मोमीटर के बारे में लुक एट केयरफुली एंड नोट द हाइस्ट एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेज़र आपको बहुत ही केयरफुली थर्मामीटर को ऑब्जर्व करना है उसमें आपको हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर को देखना है द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर जनरली फ्रॉम माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी रेंज होती है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस तक ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर फाइंड आउट हाउ हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन द थर्मामीटर रेट्स जैसे कि आपने क्लिनिकल थर्मामीटर में देखा था कि एक डिवीजन के बीच में कितने पार्ट्स होते हैं तो आपको इसमें भी वैसे ही देखना है यू वुड नीड द इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली थर्मामीटर को करेक्टली रीड करने के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी लेटस हाउ लेटस नाउ लर्न हाउ द थर्मामीटर इज यूज अब देखेंगे कि किस तरह से थर्मामीटर का यूज किया जाता है एक्टिविटी फोर पॉइंट फोर टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और ए मग आपको टेप वाटर नल का पानी लेना है बीकर या मग में डीप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इमर्स्ड इन द वाटर बट डज नॉट टच बॉटम और साइड ऑफ द कंटेनर यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे हम आपको एक बीकर में ठीक है इस तरह का बीकर होता है उसमें आपको टैप वाटर नल का पानी लेना है और उसमें आपको थर्मामीटर को डीप करना है आपको याद रखना है कि जो थर्मामीटर का पॉइंट है वो उसके बॉटम से या उस कंटेनर की वॉल जो रहती है दीवार उससे टच नहीं होना चाहिए होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली आपको जो थर्मामीटर उसे वर्टिकली खड़ा रखना है ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर अब आपको जो मरकरी की मूवमेंट है उसको आपको अच्छे से देखना है वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी नॉट द रीडिंग दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम अब आपको क्या करना है वापस से हम देखते हैं एक बीकर लेना है उसमें टैप वाटर डालना है आपको और उसमें थर्मामीटर को वर्टिकली आपको पकड़ना है आपको ध्यान रखना है कि जो थर्मामीटर है उसका कोई भी साइड ना तो उसके बॉटम से ना उसके कंटेनर की वॉल से टच होना चाहिए जब हम थर्मामीटर को पानी में वर्टिकली होल्ड करते हैं तो जो मरकरी का लेवल है वो राइज होता है बढ़ता है जब तक मरकरी का लेवल स्टडी या एक जगह पे आके स्थिर ना हो जाए तब तक हम उसे हमें उसे देखना है और उसकी रीडिंग को नोट करना है ये जो टेम्परेचर होता है पानी का उस समय का टेम्परेचर होता है कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्ड इन ईच स्टूडेंट इन द क्लास आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग डिस्कस द पॉसिबल रीज़न अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस अब आपको क्या करना है आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके भी आपको रीडिंग देखनी है कि उनके रिकॉर्ड में क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई है उनका जो मरकरी का लेवल है वो कहाँ तक पहुँचा था और पानी की टेम्परेचर कितनी है एक्टिविटी फ़ोर पॉइंट फाइव टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और ए मग हमने एक्टिविटी फ़ोर में लिया था टैप वाटर नल का पानी अब हमें लेना है हॉट वाटर जो गर्म पानी होता है वो हमें बीकर या मग में लेना है डीप द थर्मामीटर इन वाटर हमें उसी तरह से पानी में थर्मामीटर को डीप करना है वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टडी एंड नॉट द टेम्परेचर आपको वेट करना है कि जो मरकरी का लेवल है वो कई एक जगह पे आके स्थिर हो जाए और उसके बाद हमें वहाँ का टेम्परेचर नोट करना है नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर अब हमें वा जो वाटर था उसमें से थर्मामीटर को बाहर निकालना है ऑब्जर्व केयरफुली वाट हेपन नाउ अब हमें ऑब्ज़र्व करना है थर्मामीटर को कि उसके बाद क्या होता है जब हम उसे पानी में से निकाल लेते हैं तो थर्मामीटर की क्या ऑब्जर्वेशन होती है ऑब्जर्व करना है केयरफुली डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ मरकरी बिगेन्स टू फॉल जैसे ही पानी से हम थर्मामीटर को बाहर निकालते हैं मरकरी का लेवल तुरंत नीचे गिर जाता है मरकरी का लेवल जो रहता है वो नीचे आ जाता है दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मो मीटर इज़ इन वाटर इससे हमें ये पता चलता है कि हमें जब भी टेम्परेचर मेज़र करना होता है तो याद रखें कि जो थर्मामीटर हो वो पानी के अंदर ही हो तभी हम रीडिंग ले सकते हैं यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग आउट ऑन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नॉट द रीडिंग याद कीजिए जब आपने आपके शरीर का है ना टैकिंग यूर ओन टेम्परेचर जब आपने आपका शरीर का खुद का टेम्परेचर मेजर किया था तो उसमें आपने थर्मामीटर को आपके मुँह के बाहर निकाला था रीडिंग लेने के लिए कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर क्या आप, आपके बॉडी टेम्परेचर के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ कर सकते हैं ओबियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होता है उसका यूज़ हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं और वो, वो सही नहीं रहता है वाई डज़ द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल थर्मामीटर वन टेकन आउट ऑफ द माउथ जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी का जो लेवल होता है वो बढ़ता और घटता क्यों नहीं है जब हम उसे मुंह से बाहर निकालते हैं ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब आपको क्लिनिकल थर्मामीटर को ठीक तरीके से ऑब्जर्व करना है और आपको एक बल्ब के पास में एक किंक नजर आएगी वट इज़ द यूज ऑफ द किंक इट इज़ इट प्रिवेंट मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन जो किंक होती है उसका काम होता है मरकरी लेवल को नीचे गिरने से बचाना प्रिवेंट करना देर इज हॉट सॉरी देर इज़ ए लॉट कॉन्सर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर मरकरी इज़ ए टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मामीटर ब्रेक्स दिस डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी क्लिनिकल थर्मामीटर में जो मरकरी होता है वो बहुत ही टॉक्सिक उसमें जो मरकरी होता है वो बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जहरीला होता है अगर वो टूट जाता है तो उससे फिर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है इसीलिए उसकी जगह पर रिप्लेस किया है डिजिटल थरमामीटर को जो कि अवेलेबल है जिसमें कोई मरकरी अवेलेबल नहीं है ट्रांसफ़र ऑफ हीट हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है हीट का ट्रांसफर तीन तरीके से होता है कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन कंडक्शन कंडक्शन में जो पार्टिकल्स होते हैं कोई भी सॉलिड सॉलिड में होता है ये कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड में होता है ठीक है सबसे पहले कंडक्शन करेंगे हम समझेंगे कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड में होता है अब सॉलिड में कैसे के, के, होता है कोई भी हमारे पास यहाँ पर पॉट है ठीक है कोई भी बर्तन है हमारे पास तो उसे जब वो गर्म होता है तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं एक पार्टिकल्स गर्म होता है और वो पार्टिकल्स अपने अंदर की हीट को आगे ट्रांसफ़र दूसरे पार्टिकल्स में करता है दूसरा पार्टिकल्स हीट को तीसरे में ट्रांसफ़र करता है इसी तरीके से पूरा जो पॉट होता है वो क्या हो जाता है गर्म हो जाता है तो इसमें क्या होता है पार्टिकल्स एक पार्टिकल्स आगे हीट पहुँचाता है दूसरा तीसरे को पहुँचाता है इस तरीके से कंडक्शन में क्या होता है हीट का ट्रांसफ़र होता है कन्वेक्शन में क्या होता है कोई भी पॉट होता है हमारे पास तो पॉट में क्या होता है ये जो होता है हमारा पॉट ये होता है कंडक्शन इसके अंदर कोई भी लिक्विड फिल होता है यहाँ पे वाटर है तो वाटर में क्या होता है ये जो पार्टिकल्स होता है ये गर्म होता है यहाँ पे हमारा फायर होता है ये पार्टिकल गर्म होके ऊपर चला जाता है क्योंकि जब पार्टिकल्स गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ता है उसकी जगह पे दूसरा पार्टिकल आ जाता है वो गर्म होता है और वो भी ऊपर चला जाता है इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कन्वेक्शन के द्वारा लिक्विड गर्म होता है रेडिएशन रेडिएशन जो होता है उसमें कोई भी मीडियम नहीं होता है तो रेडियस रेडिएशन जो होता है उसमें कोई भी मीडियम नहीं होता है यहाँ पे कंडक्शन का एक एग्जांपल दे रखा है हमारे पास यहाँ पे दो ब्रिक्स है और यहाँ पे एक लोहे की स्केल है या मेटल स्ट्रिप्स है हम यहाँ से एक कैंडल रखेंगे और यहाँ पे जब कैंडल रखेंगे जलती हुई कैंडल तो यहाँ के जो पार्टिकल्स है स्ट्रिप्स के जो एंड के पार्टिकल्स है वो गर्म होते हैं तो इसमें पार्टिकल्स एक पार्टिकल्स दूसरी जगह नहीं जाता है इनफैक्ट क्या होता है यहाँ पे कि एक पार्टिकल जो होता है वो दूसरे पार्टिकल्स को हीट ट्रांसफ़र करता है दूसरे तीसरे को इसी तरीके से जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को हीट ट्रांसफ़र करते और यहाँ तक क्या हो जाता है वो कोई भी जो मेटल होता है वो गर्म हो जाता है तो ये होता है हमारा कंडक्शन सेकेंड हमारा कन्वेक्शन तो कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड में होता है यहाँ पे हमारा फायर है कोई भी हीट का सोर्स है यहाँ पे क्या होता है लिक्विड का कोई भी पार्टिकल गर्म होता है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे पहुँच जाता है ऊपर की तरफ आ जाते हैं दूसरी ऊपर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वापस नीचे आ जाते हैं और वो गर्म होकर फिर ऊपर चले जाते हैं इस तरीके से यहाँ पर हर पार्टिकल्स गर्म होता है और हीट का ट्रांसफर इस तरह से यहाँ पे होता है रेडिएशन जो होता है उसमें कोई मीडियम नहीं होता है नेक्स्ट वीडियो में हम सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू